फ्रेंड्स, कैसे आप लोगों को मिलकर आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में व्यस्त होंगे। तो आज है छोटी दीपावली और मेरे घर में सब बीमार पड़े हैं। तो मम्मी जब तक वो देखो उधर लेटी हुई हैं, पापा आप थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं कल से, तो वो बैठे हैं। उनकी रात में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब ठंड ठंड लग रखी, उनके बुखार आ रहा था, तो वो सुबह दवा लेने गए थे, तो वो मतलब अब ठीक हैं। उनका बीपी हाई हो गया था, 160+ था, एंड मम्मी का लो हो गया था बीपी, और हम कल से खाई सबके बीपी कंट्रोल कर रहे हैं। कभी उनका हाई हो जाता है, कभी इनका लो हो जाता है, और मेरे पास कल से सिर्फ एक ही काम है। वो कहते हैं मेरा बीपी चेक करो पापा, हमें बताएंगे मेरा बीपी चेक करो, हम मशीन लेके बाहर जाते उनका चेक करते, फिर अंदर लेके आते इनका चेक करते। एंड और क्या बोलते हैं, अभी जुकाम भी सबके बहुत तेज़ है, जुकाम मेरे भी है, पापा के भी है, मम्मी के भी है। तो मम्मी मतलब हम लोग का ऐसा ना कि हम मेरा और मम्मी का कि पंखा भी चलाना है और गर्मी भी लग रही है और ठंडी भी लग रही है, तो समझ नहीं आता कि क्या करा जाए, पंखा चलाए कि ना चलाए, लेकिन अभी चल रहा क्योंकि हम लोग को गर्मी भी लग रही है। और संध्या लोग आज चली गई हैं गाँव, मौसी और दीदी हैं, जो दीदी ऑफिस गई हैं, मौसी अपने रूम में, और आज हमने पहनी है पायल। ऐसा मुझे पसंद नहीं ज़्यादा, बट पापा ने बोला कि आज पहन लो, तो हमने पहन लिया। और ये देखो अभी हम लोग बस खाना खा के उठे ही हैं, और क्या बोलते हैं, अभी हम लोगों ने उठाया भी नहीं है, ये बोलते हैं हाँ। और टाइम हो रहा है 4:15, क्योंकि सुबह से सब इधर उधर, मतलब क्या बोलते हैं, सब लेटे थे, कोई इधर लेटा था, कोई इधर, पापा बाहर लेटे हुए थे, एंड हम फ़ोन चला रहे थे, कभी इधर लेट रहे थे, कभी उधर लेट रहे थे, क्योंकि मेरे जुकाम बहुत तेज़ था। और पापा अब ठीक हैं, वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे रखे हैं चूरा गट्टा, ये चूरा है, ये गट्टा वगैरह है, वो शायद गट्टा ही बोलते हैं, डोंट नो, बट गट्टा ही बोलते हैं, चलो ठीक है, बाकी जो बोलते हो समझ लेना आप लोग। तो ये चूरा, ये गड्ढा, क्योंकि उसकी कुछ पूजा होती है ना, इस वजह से मम्मी ने यहाँ पे बाहर रखे थे। दूध आ गया था तो हमने दूध गर्म कर लिया है, और सोनाली बर्तन लगा रही है, आधे आधे धो रही है वो, तो उसको भी दिखा देते हैं हम आपको। और ये अब सो के उठी हैं, और ये उठते उठते हमें तारे देने लगी थी, बट नाउ। और आज आपको एक बात बताएं, ये झालर है जिसको हमने लगाया था, देख सकते हैं आपको इस झालर को, तो हमने इसे मतलब ऐसे काफ़ी ऐसे करके लगाया, फिर हमने प्लग लगा दिया इसमें है, और फिर वो ये देखो यहाँ बीच से बोली भम, मतलब यानी क्या, उसमें आई थिंक तार नहीं लगे तो सही से, या फिर कुछ भी जो भी हो, ये पहले से थोड़ा सा मतलब ख़राब थी ये, लेकिन हमें उसमें कारीगरी दिखाई थी और कारीगरी फेल हो गई, और ये भूम हो गया, और ये जल गया, हमें लगा था कि जल जाएगा लेकिन नहीं। और यहाँ बाहर धुले जा रहे हैं बर्तन। हम लोग आ गए सबसे ऊपर वाली छत पे लाइटिंग देखने के लिए, हम कल नहीं आए थे, छत पे ही नहीं आए थे कल हम, कि पापा की तबीयत ख़राब थी, तो हम नीचे ही थे पापा के पास, मम्मी इधर उधर कर रही, तो अभी हमें दीपक जलाने हैं, और मतलब वो क्या बोलते हैं, तेल वाले दिए जलते हैं ना, तो वो जलाने हैं। तो चले पहले दीपक बना लेते हैं, बाकी के काम बाद में करते हैं। अभी भी कुछ एक दो घर रह गए जिनके यहाँ झालरें नहीं लगी हैं, तो जब उनके यहाँ का लग जाएगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे भी ऊपर लगा दी गई थी झालरें, बस वहाँ का मेरा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो गया, बच गए, नहीं तो हम भी एक्सपेरिमेंट बन जाते। बस इतनी छोटी सी झालर वो मेरा क्या ही करती है ना। तो यहाँ पे ये बच्चे, ये सुबह 6 बजे से पटाखे लगाने लगे थे हमारी खुशी के,
हर तरफ लाइटिंग लाइटिंग। मेरे हिसाब से गांव से ज़्यादा मतलब सिटीज़ में अच्छी लगती है दिवाली लाइटिंग्स की वजह से, और बाकी पटाखे अटाखे सब की वजह से। जैसे होली हो गई तो होली गांव में तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, ये बात तो हम बोल सकते क्योंकि हमने एक बार होली नानी के यहाँ करी थी तो वहाँ पे एकदम सन्नाटा। यहाँ पे क्या होता है, डग लगता है, डीजे लगता है, तो हम लोग डांस करते हैं है ना, तो अच्छा लगता है। जगह जगह मतलब ढोल वाले आते हैं ऐसा सब, और दिवाली में भी हमें यही अच्छा लगता है। और आप लोग देख सकते हैं इस फ़ोन को तो ये हो गया है, तो ये हो क्या गया, ये टूट गया है, तो ये टूट गया है, पता नहीं कहाँ किससे गिरा है। तो ये रखा बेड पे जाता है, मिलता नीचे है, और इसकी कुछ ऐसा ऊपर का टेम्पर तो पूरा ही ख़राब हो गया, तो देन उसे हटाया गया एंड उसके बाद भी यही नतीजा था। लेकिन फ़ोन चल रहा है बड़े अच्छे तरीके से, अभी स्टोरेज फुल है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो चलते हैं नीचे। क्या चाय पी रहे हो तुम, बता ठीक है। वैसे ही हमको चिल्लाने जानते लेकिन उन जगह ब्लॉग बनने थे हम फिर चिल्लाए नहीं, तो सलोनी से कह देते कि सलोनी चाय पी के जाना। सलोनी यहाँ ये कर रही है शाम की पूजा की तैयारी, क्योंकि बाकी सब लोगों की तबीयत ख़राब है, हमारी भी तबीयत ख़राब है और ये भी लेटे हुए हैं। यहाँ पहले यहाँ की पूजा करेगी मंदिर की। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, और हम लोग तो मस्त नहीं है क्योंकि दोनों लोगों की तबीयत ख़राब है। थोड़ा रात में जगे, इनको रात में 2:30 बजे बहुत ज़्यादा फीवर था, ठंडी देके बुखार आया था। पूजा कर रही है तुलसी मंदिर की, आज नरक चतुर्दशी है और क्या नाम छोटी दिवाली, तो आप सभी लोगों को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा काम जो है ना तो उसी देख रहे इस टाइम, क्योंकि हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी, सर दर्द इतना ज़्यादा है, भयंकर वाला सर दर्द। दोपहर में दवा खाई थी जैसे तैसे, थोड़ा सा 2-3 रोटियाँ सीखी कि एक एक रोटी खा के सब लोगों ने दवा खा लें, दवा खा के मैं भी लेट गई थी और अभी उठी हूँ। कितना टाइम हुआ है, 6:30 बज गए, 6:30 बजे, 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है काफ़ी, तो तबीयत दरअसल नहीं ठीक है, त्यौहार पूरा ख़राब हुआ जा रहा है। पूरे घर की सफाई वगैरह तो सारी हो गई मगर तबीयत ख़राब हो गई, सफाई वगैरह पूरी कंप्लीट है, बस ये बिस्तर वगैरह धुले थे, कम्बल वगैरह कल रात में निकाले क्योंकि अचानक क्योंकि ठंडी लगने लगी तो फिर निकाले थे, ये अभी पड़े हैं, इनको तही करना है। चलिए तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर, मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।